स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी ठोकर, बाइक सवार बुरी तरह घायल, अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत RLSY कॉलेज में युवक स्कॉर्पियो चलाना सीख रहा था, जिस दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बाइक में ठोकर मार दी, जिसमें बाइक सवार लवकुश कुमार बुरी तरह घायल हो गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा घायल को गाड़ी के नीचे से निकाला गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ हटाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक प्रतिदिन स्कॉर्पियो लेकर कॉलेज परिसर में सीखने आता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाने पर ले आई है। वहीं परिजनों के द्वारा आपसी समझौता कर मामले को सुलझाया जा रहा है। यही हुआ, हम लोग वहाँ पोखरा घाट पर पहुंचे हुए थे, आराम कर रहे थे, ठंडा था तो ठंडा में आराम कर रहे थे लोग। गाड़ी से आया इधर से, लघु जा रहा था, हमने बीवी को लिया ने कॉलेज में परीक्षा था और उसके बाद उधर से गाड़ी स्टार्ट जब किया, वहाँ मैच खेलता लोग, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किया, जैसे एक डेढ़ बड़ा तरफ गाड़ी पूरा तेज हो गया उसका स्कॉर्पियो, और वहाँ से मारते मारते ले आया यहाँ तक खींच के आते ले आया, उसे छोड़ के उसमें से बीच में से निकल गया है। इसमें से कोई घायल भी हुआ है? उसका हाथ टूटा हुआ है, किसका टूटा हुआ है, जिसका टोकर लगा हुआ है, लवकुश कुमार नाम। कुछ लोग मोटरसाइकिल सीख रहे थे यहाँ पे इसी ग्राउंड में, और एक लोग स्कॉर्पियो वाले थे, वो भी अपना गाड़ी चलाने के लिए सीख रहे थे। तो कैसे किसी तरह से अनियंत्रित हो गया दोनों का बाइक, कैसे क्या हुआ वहाँ पे, गाड़ी जो आपका जो सामने मोटरसाइकिल है वो स्कॉर्पियो के नीचे आ गया, और जो उस पर सवार थे, जो चालक सीख रहे थे, वो उन्हें काफ़ी चोट लगी है, वो उनको इलाज करने के लिए GMCH भेजा गया है। और सर, मोटरसाइकिल वाहन वाला ड्राइविंग सीख रहा था कि स्कॉर्पियो वाला? दोनों ड्राइविंग सीख रहे थे, दोनों स्कॉर्पियो चालक भी सीख रहे थे और जो स्कॉर्पियो चालक थे वो भी सीख रहे थे। और वही कहाँ की घटना है सर, किस जगह पर? ये RLSY कॉलेज के ग्राउंड में कैंपस में हुआ है, इधर सामने थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिला तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया, दोबारा से थ्रू आया सूचना, तो हम लोग वहाँ आए सत्यापन करने के लिए, फिर गाड़ी को थाने ले जाया गया और मोटरसाइकिल को भी ले जाया गया है।